क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व भी करना है सब में। 1/2 ब्रैकेट 3x/5 +4 ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3 x - x 13 2x+3 - 10 < 6x - 2 14 37 - 3x + 5 greater equals to 9x - 8 into x - 3 चलो खेल अच्छा बस सिंपल है ना वही सब चीजें हैं बस इनइक्वालिटी का मल्टीप्लाई डिवाइड में ध्यान रखना है ठीक है। राजीव कर रहे भैया गुरुदेव करिए बैठा तो नहीं है कुणाल हो रहा बच्चा शिव हो रहा गुड़िया ले गुड़िया हो गया आज तीनों बाकी तो चलिए देखिए जी सिंपल सा तरीका मैंने बताया था इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो बाकी सब रूल सेम है बस चेंज क्या है अगर नेगेटिव या नेगेटिव वाली चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रही हो डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो इनइक्वालिटी चेंज करके जाती है बाकी कोई और चीज नहीं है। हाँ जी तो देखिए जरा हमने कहा 1/2 3x + 5 + 4 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा पास सबसे पहले ब्रैकेट ही ओपन होगा ब्रैकेट को ओपन करने पर इसका एलसीएम ले लेते हैं 3x + 20/5 ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3 x - 6 ठीक है थोड़ा सिंपलीफाई कर ले 3x + 20 5 2 10 ग्रेटर इक्वल्स टू x - 6/3 प्रॉब्लम तो नहीं ठीक है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3x + 20
ग्रेटर इक्वल्स टू टेन इंटू एक्स माइनस सिक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है ना भाई, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन एक्स प्लस सिक्सटी ग्रेटर इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस सिक्सटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? है ना, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट ऑन वन साइड, तो आपके पास हो गए नाइन एक्स माइनस टेन एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस सिक्सटी और माइनस सिक्सटी, 9x में से 10x गए माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 120। अब ये माइनस का है, हमें तो एक्स वैल्यू चाहिए, तो माइनस से दूसरे जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो इनइक्वालिटी को चेंज करके जाएगा। राजी ठीक है भाई, इट कैन बी एज रिटन एज x ग्रेटर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, लेसर इक्वल टू माइनस 120 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस उड़े x लेस देन 120। कोई नंबर सिस्टम तो बोला ही नहीं है, जब कोई नंबर सिस्टम नहीं बोला तो हम क्या कंसिडर करते हैं, रियल नंबर, तो x की वैल्यू 120 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 120 आंसर। ठीक है, इंटरवल लगेगा यहाँ पे कौन सा, क्लोज इंफिनिटी, तो हमें जो ओपन इंटरवल लगता है बट इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, लेकिन ये बात और जान रखनी है बच्चा, अगर लेसर और ग्रेटर है तो ओपन इंटरवल और इक्वल टू भी है तो साथ में क्लोज इंटरवल लगता है, इनफिनिटी पे हमेशा ओपन ही आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अंकुश ठीक है भाई, चाहो मैं ठीक है बच्चा, यहां आ जाते हैं, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ से टू की मल्टीप्लाई करो तो फोर एक्स प्लस सिक्स माइनस टेन लेसर देन सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, ठीक है जी, कॉन्स्टेंट ऑन वन साइड एंड वेरिएबल ऑन वन साइड, 4x पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x माइनस 4 लेसर देन 6x माइनस 12, तो प्रॉब्लम तो नहीं थी? अब 4x माइनस 6x लेस देन माइनस 12 प्लस 4, ठीक जी, 4x में से 6x गए माइनस 2x लेस देन माइनस 8, माइनस 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, जाएगा तो पर इनइक्वालिटी चेंज करके, हाँ जी बताया ठीक है भाई, तो x एज ग्रेटर देन माइनस 8 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस उड़े 2 4 जा 8, x इज ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो मीन्स x बिलोंग्स टू 4 टू इनफिनिटिव, ठीक है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल लगा, अर्पण ठीक है बच्चा, यहां आ जाते हैं, फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 9x माइनस 8x प्लस 24, 9x माइनस 8x प्लस 24, हाँ जी 37 माइनस 5 कितना हो गया पास, 37 में 5 32, हाँ जी 32 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल्स टू 9x में से 8x गए x प्लस 24, आ वेरिएबल ऑन वन साइड एंड अ कांस्टेंट ऑन वन साइड, हाँ जी 32 माइनस 3x माइनस x ग्रेटर इक्वल 24 माइनस 32, प्रॉब्लम तो नहीं बच्चा, ठीक है ठीक हो गया, माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स कितने हो गए माइनस के 4x, ये हो गया बस माइनस 4x ग्रेटर इक्वल 24 में 32 गए माइनस के 8, हाँ जी अब माइनस मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई वाली चीज नेगेटिव की, तो इनइक्वालिटी चेंज करके, सो x एज लेसर इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 4, ठीक है अमन ठीक है बच्चा, मोहम्मद अमन ठीक जी, माइनस से माइनस उड़े 4 2 जा 8, एक्स लेसर देन और इक्वल्स टू 2, इंटरवल लगेगा कौन सा, ओपन या क्लोज, क्लोज, सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटिव टू 2 आंसर, ठीक जी ठीक
इसके बाद एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, आरएस में उसमें क्वेश्चन है, बट 12th क्लास में वही यूज होगा, ठीक है। सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल व्हेन वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो जाता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट करके आज ही बताऊंगा उसको, वो ध्यान से समझिएगा, क्लास 12th का एक टॉपिक, 12th का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बाकी सारा जो ये मैं पढ़ाऊंगा वो लगेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपके पास अगर पेपर सब्जेक्टिव हुए तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन प्रिपेयर होगा क्लास 12th का, ऑब्जेक्टिव भी हो जब भी 3 ही होंगे और 3 क्वेश्चन हो जाएंगे जब वहां एक ही 3 नंबर देगा। एक्स अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। चलो करिए चलो, यश क्लियर है भाई? मानसी, प्राची, अमान, कीर्ति, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसके बाद हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, किसी स्कूल किसी और के स्कूल में कोई पेपर वगैरह आ रहे हो तो भैया मुझे उससे पहले ही बता देना, उस चैप्टर का ऑर्डर फिर मैं चला दूंगा, है ना। उसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे डेरिवेटिव, वो 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ का वो 35 नंबर में कन्वर्ट होगा 12th क्लास में, बोर्ड में 35 नंबर। राजीव नहीं कर रहे, कुछ हो रहा है भाई, प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा बच्चा, Thank you.
चेंज हो गया बच्चा दोनों, ठीक है गलत आ रहा है। 15 हो गया भाई सभी का, नहीं हुआ क्या रहा है समझ आंसर 4-2 इन्फिनेटिव। चले ये आ रहा सभी का, नहीं आया हमेशा, चले तो देखिएगा भाई। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। हाँ जी ठीक बढ़िया, एलसीएम लेना पड़ेगा हमेशा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एक्स अपॉन 4 लेस देन एलसीएम आया 15, ठीक है जी 15 एलसीएम, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3, 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3, प्रॉब्लम तो नहीं जी। एक्स अपॉन 4 लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15, ठीक है जी सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। एक्स अपॉन 4 लेस देन 25x में 21x गए 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15x लेस देन 4 इंटू 4x माइनस 1, 15x लेस देन 16x माइनस 4, ठीक है जी। कांस्टेंट ऑन वन साइड एंड वेरिएबल ऑन वन साइड, 15x माइनस 16x लेस देन माइनस 4, 15x में 16x गए मेरे बच्चा माइनस एक्स लेस देन माइनस 4, माइनस एक्स लेस देन माइनस 4 नेगेटिव क्वांटिटी x साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में जा रही तो इनइक्वालिटी चेंज भी करेगी, तो x इज लेसर से क्या हो जाएगा ग्रेटर, माइनस 4 माइनस 1, माइनस से माइनस उड़े x इज ग्रेटर देन 4, बस ठीक है भाई। तो x की वैल्यू 4 से बड़ी मींस x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटिव, 4 टू इंफिनिटिव। बिल्कुल ठीक है मनन कीर्ति। नेक्स्ट 16 पे आ जाएं, फिर से हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद फिर उसे वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर इक्वल्स टू एलसीएम लोगे मेरे बच्चे कितना आएगा 20। हाँ जी यहाँ 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक जी सॉल्व आउट करें 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 15x माइनस 10 माइनस के 8 प्लस 4x अपॉन 20। हाँ जी और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको हम, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 15x प्लस 4x 19x माइनस 18 अपॉन 20। हाँ ठीक जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 3 इंटू 19x माइनस 18, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, ठीक है मानी ठीक है बच्चा। अंदर इसको और मल्टीप्लाई करें, अगर और हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई 40x माइनस 20, ठीक है जी ग्रेटर इक्वल्स टू 19 दीजा 57x 18 दीजा 54, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 40x माइनस 57x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 54 प्लस 20, 40x माइनस 57x माइनस के 17x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस के 34, माइनस 17 है मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा, एक्स लेसर इक्वल्स टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय माइनस के 17, माइनस से माइनस उड़े 17 टू जा 34, एक्स लेसर इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है 2 से छोटी, इंटरवल कैसे लगेगा क्लोज ओपन क्लोज,
x belongs to minus infinity to 2 answer. ठीक है बच्चा, देखिए एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब दूसरा टाइप क्या है, आपको सॉल्व तो करना ही करना है, साथ में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन, और सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वैसे जिन्होंने सेट पढ़ा था मुझसे वहां पे मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया था, बहुतों ने नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा उस बात को। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अब करूं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, फाइंडिंग सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन एन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला वो भी एन वन वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, साथ ही उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। भाई सॉल्व करना तो हमने सीखा ही अभी, 15-16 क्वेश्चन हमने किए, अब बात आती है रिप्रेजेंट करने की। ठीक है भाई, हमने कहा आपने सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, वो आपको बताइए अब कैसे आ गया। भाई मैंने कहा ये आया x belongs to a 2 infinitive लिखा हो, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो सकता है भाई, ये आ गया हो x belongs to माइनस इंफिनिटी टू 3, ये हो सकता है, क्या हो सकता है इंटीजर या नेचुरल नंबर रहे हो तो सेट अभी आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू 100, ये वाला आंसर आ गया हो। ऐसी कुछ तीन तरह की सिचुएशन बनेंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा ना। ठीक है, ओपन क्लोज या क्लोज ओपन, ठीक है ये आपके पास वो दिखाई देगा। तो करने गए आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, जान सुनेगा नंबर लाइन सभी को बनानी आती है, नंबर लिखने सभी को आता ही है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर लिख के जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर लिख के जाते हैं, ये बात भी सभी को पता ही है। ठीक है, मेन जो अलग बात है जब ये आपके पास ओपन इंटर के लिए, ठीक है जो आपको बात ध्यान रखने वाली है तो वो चीज समझिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपके पास कहीं ओपन इंटरवल होता है, ठीक है तो वहां पे आप होल दिखाते हैं, और जहां पे क्लोज इंटरवल होता है वहां पे आप डार्क बॉल दिखाते हैं। क्या मतलब इस बात का समझिएगा, हमने कहा जी इस तरीके से फॉर ओपन इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल पे जो नंबर लिखे होंगे वहां पे आप बॉल बनाएंगे ऐसे होल वाली मीन्स खाली, ठीक है, और कहीं पे जहां पे क्लोज इंटरवल है, फॉर क्लोज इंटरवल के लिए आप ऐसे बॉल बनाएंगे वो भी डार्क वाली, मतलब इसे काला कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये प्लास्टिक की बॉल है जैसे खाली वाली, ये क्रिमी वो क्रिमी जो ठोस मान लो जो भी है, लेदर वाली जी।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये अगर बाय चांस इंटीजर या नेचुरल नंबर वाला केस चल रहा हो तो आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लिखेंगे, उस पे हर एक नंबर को आपको डार्क करके दिखाना पड़ेगा, हर एक नंबर को आपको डार्क करके दिखाना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपके पास रियल नंबर के अलावा इंटीजर आए, नेचुरल नंबर आए, होल नंबर आए, तो आपको उसको डार्क करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड अ होल नंबर। ठीक है, जेड का मतलब इंटीजर होता है, एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर होता है, उन सभी को आप रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को डार्क बॉल्स। ठीक है जी, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इन रिप्रेजेंटेशन पे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। भाई आपके पास, आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे जो आंसर आया भैया वही आ रहा है 225। ठीक है, 225। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाई हमने ये, ठीक है, यहाँ जीरो लिखा, वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव लिखा, वो जैसा गैप होगा उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन पे गैप ले लेते हैं। टू और फाइव पे कैसा है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल की क्या बनेगी, होल बनेगा ऐसे ये। ठीक है, और इसके बीच में नंबर लाइन जो डायर खोनी होनी है, चाहे ओपन हो जाए क्लोज हो, इन दोनों के लिए डार्क नंबर लाइन, डार्क नंबर लाइन, इन दोनों केस में तो नंबर लाइन को डार्क किया जाता है, बट इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर है तो सिर्फ नंबर ही बॉल से शो होते हैं, आपके पास वहां पे नंबर लाइन का कोई रोल नहीं होता। देखिए मतलब बीच के, अब नेचुरल नंबर में डेसिमल वाले तो होते नहीं इस वजह से, ना होल नंबर में ना इंटीजर में, बट रियल नंबर में सब नंबर आते हैं तो वहां पे ये होल तो लगेंगे या बॉल तो लगेगी, साथ में नंबर लाइन को डार्क भी करना है, इसलिए मैंने लिखा डार्क नंबर लाइन ऐसे। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू लिखा हुआ है 3, 2, 5 ऐसे, 3 से 5 तक दिखाओ भैया, तो 3 पे तो बनेगी डार्क बॉल और 5 पे बनेगी होल, ठीक है, और साथ में नंबर लाइन डार्क भी होगी ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 पे ये आपके पास डार्क बॉल, 5 पे आपके पास ये होल, और सारे सारे डार्क हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 5 पे ओपन इंटरवल ना गुड़िया, ओपन इंटरवल के लिए ओपन बॉल बनेगी और क्लोज इंटरवल के लिए डार्क बॉल बनेगी। ठीक है बच्चा, बाय चांस ऐसे आ जाए कि एक्स इक्वल्स टू -1, -0, 1, 2, 3 अप टू सॉन दिखाया गया ऐसे, तो सिर्फ ये इंटीजर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये 2-3 डार्क कर देंगे और अप टू सॉन दिखा देंगे, नंबर लाइन इसमें कोई डार्क नहीं होगी। ठीक जी, इस तरीके से 0, -1, -2 यहां ये होगा ऐसे, ऐसे दिखा देंगे। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच यू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है सॉल्यूशन सेट के हिसाब से, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो मैंने सारा को एक्सप्लेन कर दिया। इंफिनिटिव हो, अगर भाई जब भाई मैंने कहा यहां पे लिखा है 2 to infinitive ऐसे, ठीक है, तो यहां ये 5 हटा देता मैं यहां पे और नंबर लाइन को लास्ट तक डार्क कर देता। ठीक है अक्षर भाई,
भाई का बच्चा कह रहा है कि टू टू इन्फिनिटिव है सर, ये तो आप टू पे जो काम हो रहा है और टू को लास्ट तक डार्क कर दो, ठीक है, टू को आप लास्ट तक डार्क कर दो, ठीक जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन देखिएगा, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 यही है, 17, 18, 19, 20 यही है, और आरएस में भी आपके आरएस में दो चैप्टर में बांटा गया है इस चैप्टर को, एक चैप्टर नंबर 6, एक चैप्टर नंबर 7, तो 6 ए एक्सरसाइज में तो दो चीज बांट, दो तीन तरह का क्वेश्चन है मेरे बच्चा, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1-13 जो है, ठीक है, 1-13 जो है वो इस वाले टॉपिक पे बेस है, ठीक है, और पे सॉल्व नहीं करा डायरेक्ट, वहां पे डायरेक्ट ये बोला है, उसके बाद जो कंसेप्ट है वो वाला है जो मैं आपको बोल रहा था कि जो क्लास 12th में यूज होगा, फिर वहां से वो हम कल बात करेंगे। देखिए जी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस, इन ईच केस ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। देखिए मेरे को वही बात बोली है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, साथ ही इन दोनों में मेरे बच्चा यहाँ पे इसमें और इसमें ये फर्क है मेरे बच्चा, यहाँ पे डार्क बॉल तो है ये, बट डार्क नंबर लाइन हो रही है, यहाँ पे नंबर लाइन कोई डार्क नहीं हुई, जैसे ये वाला केस, यहाँ पे नंबर लाइन को डार्क नहीं करना, इस वाले केस में नंबर लाइन डार्क हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, थ्री एक्स माइनस टू लेस देन टू एक्स प्लस वन 18, फाइव एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस फाइव। चलो तो पहला मैं करता हूं, दूसरा आप लोग करिएगा, 3x माइनस टू लेस देन 2x प्लस 1, पहले सॉल्व ही करना है, सॉल्व अपने हमने बहुत सारे किए, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो आप इसको सॉल्व करें, 3x माइनस 2x लेस देन 1 प्लस 2, हाँ जी 3x में से 2x गए, x x लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, नंबर लाइन बनाएंगे, तीन पे ओपन बॉल बनाएंगे और इधर वाली लाइन को डार्क कर देंगे। हाँ जी ठीक है बच्चा, हमने कहा नंबर लाइन बनी एरी 0, 1, 2, 3, ओपन बॉल बनी यहां माइनस इन्फिनिटी भाई, और ये इधर वाली नंबर लाइन डार्क ऐसे, ठीक है। अगले वाले फिर से सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा वो देख लेना, पर उसमें क्या बनेगी, डार्क बॉल बनेगी, ये ठीक है ना भाई।
शामन अमन ठीक है भाई, तो बात समझ में आ रही है? पहले तो बहुत पता नहीं लगा था ऐसे आके मेरे मुंह पे देखता था। आज हो रहा भैया दिखाइए, चल ठीक है सॉल्व करो आगे। बंच हो गया बच्चा, फिर से भाई सॉल्व करना है। वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, 5x माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3। 5x में 3x गए, 2x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। x निकालना है 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, 2 वन जा 2, x शुड ग्रेटर देन माइनस 1। हाँ जी, x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी, प्रॉब्लम तो नहीं? नंबर लाइन बनाई हमने, ये नहीं, यहाँ 0, ये माइनस 1, ये 1, 2, अप टू सॉन ये प्लस इनफिनिटी तक गई। माइनस 1 पे कौन सी बॉल? डार्क बॉल बनेगी, ठीक है जी, डार्क बॉल बनेगी, और आगे तक गया है तो पूरी नंबर लाइन डार्क भी हो जाएगी इस तरीके से। तो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व द इनइक्वलिटी, एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी के तो मैं सारे आपको खुद ही करा रहा हूं, ठीक है। आरएस में क्वेश्चन कहां तक बोले थे मैंने? 13 तक, है ना, तो 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, वो यही टॉपिक है सारा, ठीक है। कल 6A है, ठीक है, आरएस में एक्सरसाइज 6A। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को किसी भी तरह से? चलिए, थैंक यू।